हरिओम। शहर के मशहूर सिटी न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का राशिफल इस दैनिक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आज है दिनांक 16 सितंबर 2020, भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी है आज बुधवार, और आज नक्षत्र है मघा, यह सिंह राशि में आता है। आज का दिन विशेष है, आज है विश्वकर्मा पूजन और महालय श्राद्ध भी। श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष का बस एक दिन पूर्व का यह दिन है चतुर्दशी, जो बहुत ही विशाल योद्धाओं के लिए समर्पित होता है, जिन्होंने अपने सामर्थ्य साहस से जीवन में बहुत कुछ हासिल किया होता है, जो सिर्फ अन्न वस्त्र निवारा के लिए नहीं बल्कि अपने समाज देश और परिवार के साथ साथ विश्व में साहस से अपना नेतृत्व बनाए रखते हैं। एक विश्व प्रसिद्ध कार्य या कोई बड़े चमत्कार या कोई संशोधन की ओर प्रवृत्त होते हैं, ऐसे अध्ययनशील एकाग्रचित्त ध्यान प्रिय लोगों के लिए आज का पितृतर्पण का दिन होता है, जिसमें हम अपने भीतर के साहस और सामर्थ्य को उजागर करने के लिए, दबे हुए भावनाओं को उजागर करने के लिए एक पितृतर्पण का लाभ नांदी श्राद्ध और पिंडदान करा के अपने अवगुणों की दुर्गुणों की आहुतियाँ भी दे सकते हैं, ताकि हमारा पुण्य गुण और कला गुण बढ़ सके। आज के नक्षत्र के बारे में देखा जाए तो यह मघा यह नक्षत्र बड़ा ही अभिमानी, अहंकारी, आत्मसम्मानी, कंजूस, मुस्कुराहट देने में, नज़र देने में, खुद का ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यूएशन करके रखने वाले जो लोग हैं, पीछे हाथ बांध के रखने वाले जो लोग हैं, सब मैं जानता हूँ क्या, एक वहम में रहने वाले, दुनिया को समझने की कोशिश न करने वाले, दूसरों को नज़रअंदाज करने वाले, सामने वाले को अपने से नीच और कमज़ोर लेखने वाले, इस तरह के लोग इस नक्षत्र पर जन्म लेते हैं, जो खुद के बड़े दुश्मनी साबित हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति जैसा दूसरों के साथ रहता है वैसा ही अपने साथ रहता है। दूसरों के साथ अच्छा, वो खुद के साथ अच्छा, दूसरों के साथ जो बुरा वो खुद के साथ उससे भी बुरा। यह नक्षत्र पर अगर आपको कुछ करना हो तो इस नक्षत्र पर तो आप सूर्य को आप जल अर्पण कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ओम, यही सूर्य हो, सहस्राशो, तेज राशो, जगत पते, अनुकंपय महाभक्त अग्रणान दिवाकरा, ओम रीम सूर्याय नमः। हे सूर्य, मैं आर्यवंशीय भारतवासी आपको युगो युगो से नमस्कार स्वीकार करता हूँ और आपके आज्ञा से आज का दिन शुरुआत करता हूँ। मघा नक्षत्र वालों ने नित्य अपने सूर्य अपने घर से बाहर निकलते वक्त दोनों हाथ सूरज को दिखाकर, सूरज की आज्ञा लेकर, अपने घर के स्थान रक्षक देवताओं की आज्ञा लेकर ही बाहर निकलना चाहिए, ताकि उनको एक प्रमाद का दोष न लगे, तो इनके आत्मकल्याण में यह अड़चन नहीं दिखती, अन्यथा यह जीवन भर इनके लिए एक समस्या बनी रहती है। आज का मुहूर्त देखा जाए तो वही पितृपक्ष में चतुर्दशी तिथि तो पूर्णतः शुभ होती है। अमावस के आसपास के दो दिन, पूर्णिमा के आसपास के दो दिन हमें पूर्ण रूप से श्रेष्ठ फल देने के लिए बहुत ही व्याकुल और आतुर होते हैं। जिन्होंने पिछले 15 दिनों से श्रेष्ठ कामों को प्राथमिकता दिया, अपने भावनाओं को उच्च रखा, अपनी शरीर शुद्धि, भाव शुद्धि और विचार शुद्धि करके रखी हो, ध्यान करके रखा हो, सामुदायिक कोई प्रार्थना करके रखी हो, उनको यह तिथि एक समृद्ध श्रेष्ठ फल देने के लिए आतुर होती है या अनातुर होती है। व्याधियों का बढ़ जाना या भाग्योदय का खुल जाना इसी चतुर्दशी तिथि का संकेत होता है। यही से कलियां खिलती है, बीज फूटकर उमल के उभर कर बाहर आते हैं। आज के इस नक्षत्र के बाद जान लेते हैं आज के एक दर्शक का महत्वपूर्ण प्रश्न। दर्शक का नाम है प्राध्यापक सर्वेश गांधी, नागपुर से है। यह चंदन नगर सोमलवाड़ा परिसर के निवासी है। इन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि पंडित जी, ये ऋतु सम्मान व्रत क्या है? हमने आपके कार्यक्रम में इसका 2-3 बार जिक्र सुना है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाए। देखिए सर, सर्वेश जी, हम प्रकृति की सुरक्षा में रहने वाले लोग हैं, और प्रकृति के जो स्वभाव, तीनों ऋतुओं के अधीन हमारा जीवन होता है। एक ऋतुओं के 4 स्वभाव होते हैं और एक ऋतु में 8 तरह की वायरल डिसीजेज भी होते हैं, इसलिए कुल मिला के 24 वायरल डिसीजेज तीनों ऋतुओं के और 12 तरह के स्वभाव यह ऋतु के होते हैं। और ऋतु के अनुसार हमारा बनना, ऋतु के अनुसार खुद का चलना पैरेलल, इसे ऋतु सम्मान व्रत कहते हैं। जैसे हाल ही में अभी नदियाँ पूरा कचरा लेके आगे गई है, साफ सुथरी शुद्ध बन के गई है,
मानो कोई दुल्हन सच के हमारे सामने हो तो हमने तारीफ करना चाहिए। हमारा घर हो सामने से तो उसको जैसे ऋतु नया रूप लेता है तो वैसे ऋतु बदल के हमने हमारे घर का फ्रंट एक कलरिंग करना चाहिए। जैसे हम दो वक्त का हमारा चेहरा धोते हो, हाथ पाँव धोते हो, उसी तरह हमने हमारे घर का फ्रंट भी साल में दो बार कलरिंग करना चाहिए। वैसे ही अगर नदियाँ इस वक्त सब कचरा लेके आगे गई है तो हमने भी हमारे घर का सारा कचरा बाहर निकाल कर, हमारे मन का पूरा कचरा बाहर निकाल कर नदी दर्शन के लिए जाना चाहिए, नदी में स्नान करना चाहिए, दीपक अर्पण करना चाहिए, नारियल चढ़ाना चाहिए, अंजलि भर के फूल चढ़ाना चाहिए और अपने मनपसंद नैवेद्य को भी जीव जंतु वनस्पति पशु पक्षी के लिए रखना चाहिए। ऋतु का सूक्ष्म अध्ययन करके, निरीक्षण करके, परीक्षण करके हमें अगर आत्म परीक्षण करने की वृत्ति प्राप्त होती है तो हमें किसी के भक्ति में किसी क्षण पर मन को बंधक बना के रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुले आसमान की तरह आपका मन आपको जीवन को खिलखिलाने के लिए सहायक बनेगा। यही है ऋतु सम्मान व्रत। आपने हमें इस कार्यक्रम में प्रश्न पूछा, इसलिए आपका सिटी न्यूज चैनल परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन। इसके बाद जान लेते हैं आज के एक महत्वपूर्ण दर्शक का प्रश्न, जो सिटी न्यूज चैनल के हैं, रेगुलर है और बड़े ही एक कट्टरवादी कर्मठ स्पष्ट वक्ता, एक प्यारी मुस्कुराहट से भरे आंखों में प्रेम और सहानुभूति रखे ऐसे हमारे परम मित्र, हमारे दर्शक और क्या बोलेंगे, एक आदर्श जागरूक नागरिक भी कहा जा सकता है इसे, श्री संतोष राव कैलाश जी यादव अमरावती के निवासी है और इनका दूध का व्यवसाय है। बस जीवन में मिठास लाना, जीवन को मलाईदार बनाना इनका कार्य है। इनका जन्म दिनांक है 19/5/1974, पन्नालाल नगर के निवासी है। देखो संतोष जी, आपकी तारीख तो मई महीने के उगते सूरज की जैसे खतरनाक टकराव लेने वाली है। आप जैसे खंडन मंडन वंदन के लिए बिल्कुल आगे नहीं आते। स्पष्टता से दबी हुई चीज़ों को सामने उजागर करना, एक छुपी हुई बातों को सबके सामने एक प्रूफ की तरफ, साक्षी की तरफ रखना और सबको अपने जीवन में अपने भान पर लाना, एक जागरूकता निर्माण करना समाज में, अपने आसपास के परिसर में, या आपके स्वभाव में बहुत ही सुंदर गुण है जिसका एक अलौकिक प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देगा। आने वाले दिनों में आप उत्तम टीकाकार, राष्ट्रभक्त, समाज प्रेमी और कुटुंब वत्सल व्यक्ति करके बहुत ही सफल होने वाले हैं। स्वास्थ्य आपका आपके जीवन भर में बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके मित्र भलाई कम हो लेकिन आपके खास सच्चे पक्के और समर्थक रहेंगे। आपको अगर कोई मतलब एकादा कार्य करना हो तो समाज के लिए एक जागरूक नागरिक के तौर पे एक NGO चला सकते हैं आप, RTI चला सकते हैं या कोई समाजसेवी संस्था चलाकर समाज के दोष दुर्गुण कुप्रथा इसको बाहर निकालने के लिए आप बहुत ही सक्षम समर्थ कार्य कर सकते हैं। आपका योगदान समाज के लिए सदा याद रखा जाएगा। आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आपने हमें इस कार्यक्रम में भविष्य पूछा, इसलिए सिटी न्यूज़ परिवार की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इसके बाद जान लेते हैं कैसा रहेगा 12 राशि टेरो कार्ड के अनुसार आप सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन सार्थक लगाना है कैलेंडर में। एक महीने के 25 दिन अगर हमारे टिक मार्क पॉजिटिव आए तो हमारा पूरा जीवन बहुत ही सफल, सुंदर और साध्य समझना चाहिए। तो सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि के लोगों को अपनी खुशियां दूसरों को बताने के लिए बहुत ही उत्सुकता बढ़ेंगी, लेकिन अपात्र व्यक्ति को अपनी खुशियां बताना किसी काम की नहीं, आपका विचार आपके मन में ही रह जाएगा, हो सकता है यह समय अनुकूल नहीं। वृषभ राशि के लोगों को आज बहुत ही समझौता करना पड़ेगा, तड़जोड़ करना पड़ेगा, परिस्थिति के साथ मेल बनाना पड़ेगा, एक कदम पीछे रह के काम करना पड़ेगा। मिथुन राशि के लोगों को झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ने में कोई फायदा नहीं है। पारदर्शिता, सत्य जहाँ जरूरी है वही जरूरी है। हाँ, असत्य का स्थान महत्वपूर्ण है, लेकिन वहाँ जहाँ सामने वाला भी असत्य से प्रेरित हो, अपनों के साथ देर से सही एक झुकावपूर्ण रहना ही फायदेकारक। कर्क राशि,
कर्क राशि के लोगों को आज पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ेगी, कठिन विषयों के गुत्थियाँ सुलझ जाएंगी, आत्मविश्वास पनपेगा और नया कुछ जानने का मैं ये कर सकता हूँ यह आत्मविश्वास आह्लादित करेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लोगों को आज खेलने का मन करेगा, घर से बाहर निकाल कर कोरोना के डर को ठुकरा कर कहीं एक रपट मार के आ जाए, चक्कर मार के आ जाए ऐसा लगेगा। लेकिन सावधानी हमारे लिए एक सबके लिए मंत्र बना हुआ है और हम एक डर के साए में जो जी रहे हैं उसके लिए थोड़ा क्या कहेंगे हम सोच समझ के काम करना अच्छा। कन्या राशि के लोग बेकार में समय व्यतीत कर रहे हैं, इतने अच्छे लोग चाह रहे हैं, इतना अच्छा मौका है, इतना अच्छा एक माहौल है, सम्माननीय उम्र है, फिर भी मन साथ नहीं देगा, इस बात का दुख रहेगा। तुला राशि के लोगों को अपनी कन्याओं की चिंता रहेगी कि मैं मेरे बच्चों का भाग्य नहीं बना सकता, लाचार और बेबसी तो नहीं बढ़ेंगी, कहीं मेरे बच्चे रास्ते पे तो नहीं आ जाएंगे, बेकार की चिंता करने में कोई फायदा नहीं, समय बड़ा बलवान और सबका भाग्य उसके साथ होता ही होता है। वृश्चिक राशि के लोगों को आज दुख हो जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, हो सकता है ऐसी कोई गलती याद आ जाएंगी जो नहीं होना चाहिए थी, लेकिन किसके साथ शेयर न कर सकने का गम भी रहेगा। धनुराशि के लोगों को गलत मित्रों की संगत से आज नुकसान हो सकता है, भाषा को तोड़ मरोड़ कर बोलने से भी नुकसान हो सकता है, अपनी जुबान अपनी जेब बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारा मन मस्तिष्क और व्यवहार सुरक्षित हो। धनुराशि के लोगों को आज अपने घर में ही मनमुटाव का सामना करना पड़ेगा, विचारों में बेबनाव महसूस होगा, जैसे समझौते की नौबत आ जाएंगी, हो सकता है अल्पकालीन झगड़ा भी हो लेकिन आप गुस्सा ज़्यादा देर तक मन में नहीं रखेंगे। मकर राशि के लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या नहीं, अपने ही हैं और अपनों के सामने कहाँ क्या करें, अपनी राय को मुट्ठी में रखना अच्छा, मन को बंदे रखना अच्छा, यह वक्त आपके शब्दों को बाहर निकाल कर कुछ संवाद करने के लिए उचित नहीं। कुंभ राशि के लोगों को अपने अस्वास्थ्य की चिंता रहेगी, डर रहेगा, किसी के सानिध्य के वजह से मैं किसी घेरे में तो नहीं आ गया, मुझे किसकी नज़र तो नहीं लग गई, किसी ने करनी तो नहीं की गई मुझे, ऐसे वहम में आप रहेंगे। कुंभ राशि के लोग आज सफर पे रहेंगे, दो दिन घर से बाहर रहेंगे, घर से बाहर रहने से अपने परिवार से दूर एकांत में रहने का आनंद प्राप्त होगा, हो सकता है आपको रिफ्रेश होने के लिए कोई खास मौके भी प्राप्त हो जाए। मीन राशि के लोगों को अपने कमजोरियों का अपने न्यूनता का बहुत ही ख्याल रहेगा, मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता, ऐसे विचारों का आप सहारा लेंगे, लेकिन कुछ करते रहो तो हो सकता है हमारी शुरुआत हमें नया विश्वास दे दे, बिल्कुल होगा। यहाँ पर हम 12 राशियों का भविष्य कथन समाप्त करते हैं। आप भी दर्शक शुभ दर्शक बन सकते हो, हमें महत्वपूर्ण प्रश्न भविष्य पूछ सकते हो, इस नीचे दिए हुए नंबर पर संपूर्ण नाम के साथ जन्म तारीख भेज सकते हो। इस कार्यक्रम को देखने के लिए सिटी न्यूज चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और घंटी दबाकर वहीं से लाइक कमेंट शेयर करा के अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पर डालना बहुत जरूरी है ताकि जो आपने जाना देखा वो आपके सभी मित्रों को प्राप्त हो सके। मैं प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। आप देखते रहेगा कार्यक्रम राशिफल आपके प्यारे सिटी न्यूज चैनल पर। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात इसी वक्त इसी समय। हरिओम तत्सत।